हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछले वीडियोस में हमने जहाँ पे देखा था वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, वेक्टर के बेसिक डेफिनेशन क्या है, स्केलर क्या है, इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे कर लिया है। अब आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में आपको प्रोडक्ट पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है? इतने से आपका काम चल जाएगा। फिजिक्स में इतना ही ज़रूरत पड़ता है, मैथ्स में जब आप पढ़ेंगे ट्वेल्थ में तो वेक्टर अलजेब्रा का एक पूरा चैप्टर है जिसको आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। फिलहाल तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जहाँ तक बात होती है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो टाइप से होता है, एक होता है ग्राफिकल और एक होता है एनालिटिकल। ग्राफिकल जहाँ पे क्वालिटी बताता है, वहीं पे एनालिटिकल क्या बताता है, कितना मैग्नीट्यूड इसका हो सकता है एडिशन करने पर, ठीक है? अब आज एक अनाउंसमेंट भी मुझे करनी थी इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं। अनाउंसमेंट ये है कि काफ़ी बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये प्रॉब्लम है मुझे। तो इन सभी चीज़ों का मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जिसमें हमको ये करना है कि आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर होंगे, आपका डाउट होगा मेरा आंसर होगा। तो हम यहाँ पर एक नया प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसको नाम दिया जाएगा योर क्वेश्चन माई आंसर, ठीक है? तो इसमें जो भी आपको डाउट आता है, जैसे अभी दो तीन दिन पहले एक बच्चे ने बोला था कि सर आपने एरर एनालिसिस कराया, तो इसी के साथ साथ आप स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर करा दें। तो उस बच्चे के लिए मेरा मैसेज है कि मैं जल्दी ही उस पर भी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर थोड़ा सा डायग्राम वाला है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में, उसको बनाने में, ठीक है? इसके अलावा जो भी आपको डाउट आती है आप कमेंट्स में लिखिए। कमेंट्स में लिखने के अलावा आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, नंबर है मेरा, इसको नोट कर लें। टेलीग्राम पे जो भी आपको डाउट आता है आप भेज सकते हैं, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूँगा उन डाउट्स को लेने का। तो नंबर है, नोट कर लीजिएगा, 8299587547। ये वो नंबर है जिस पे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, क्वेरी भेज सकते हैं। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके पूरी पूरी हेल्प करने की, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारा वीडियो होगा, आई होप आपने नंबर लिख लिया होगा, अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। वैसे अबाउट में आप जाते हैं ना तो वहाँ पे नंबर लिखा मिलेगा आपको। फिलहाल आज की वीडियो में अगर मैं बात करूँ, तो उससे पहले जो भी बच्चे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लोग पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद इन वीडियोस को ज़रूर देखें, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा वीडियो है उसको लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये है हमारा टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब देखिए इसमें किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला है ग्राफिकल और दूसरा है आपका एनालिटिकल। ग्राफिकल में हम लोग क्या सीखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वेक्टर्स को ग्राफिकल तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंटेशन करके कैसे दिखाया जा सकता है, कि हम कैसे ऐड करते हैं, तो इन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। उसके बाद मैग्नीट्यूड, जैसे एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है रिजल्टेंट निकालने का, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये तो ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हम लोग एनालिटिकल में करेंगे, ओके? आई होप आप मेरी बात समझ गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड का। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग यहाँ करेंगे, पर किससे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड में देखिए जो मेन आपको पढ़ना है, इनमें सबसे पहला पार्ट है लॉ ऑफ ट्रायंगल, जिनसे आप वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा बी पार्ट है लॉ ऑफ पॉलीगन, सॉरी पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड सी वाला जो ऑप्शन है ये है हमारा लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे इन तीनों का अपना डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए मैं आपको कहूँगा कि आप एनसीईआरटी को प्रीफर करें, या फिर जो भी आपकी साइड बुक है आप उसको देखिए, क्योंकि डेफिनेशन तो किसी भी बुक में मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, बीच में मैं आपको समझा दूंगा डेफिनेशन कैसे आ सकता है इसका। तो सबसे पहले हमको समझना है
कि ये ट्राइंगल लॉ, फिर पैरेललोग्राम और फिर पॉलीगन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं ट्राइंगल लॉ के बारे में। ठीक है, दोनों ब्लैक मार्कर ही हो गया है। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल में आप जहाँ देखेंगे ये जो है ना, ये कैसे काम करता है। तो इसमें कहते हैं कि अगर कोई दो वेक्टर्स हों तो उनको हम एक ट्राइंगल की तरह रखते हैं और हेड टू टेल फैशन में जोड़ते हैं, है ना। मैंने आपको सिखाया था ये, बस आपको एक पंच लाइन याद रखना है कैसे ऐड करना है। तो हेड टू, जब कभी भी लॉ ऑफ ट्राइंगल की बात है तो आपको क्या याद रखना है, हेड टू टेल, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो हेड टू टेल का मतलब क्या है, कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है तो इसको बोला जाता है हेड और इसको बोला जाता है टेल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक के हेड पे दूसरे का टेल रखेंगे। ठीक है, जैसे इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी से या साइड बुक से, जहाँ से भी आप देख सकें। मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल इन सेंस कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर साहब ए और ये है वेक्टर साहब बी। अब देखिए ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और आपको क्या परफॉर्म करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको हेड टू टेल फैशन याद रखना है, हेड टू टेल। तो ए पहले है तो ए को लिख देते हैं, जैसा ये है वैसे ही ड्रॉ कराते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उनके डायरेक्शन ओरिएंटेशन में कोई भी चेंज नहीं आता। मैग्नीट्यूड तो वैसे भी बात है बदलेगा नहीं, लेकिन डायरेक्शन ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं आता अगर हम पैरेलल शिफ्टिंग कराते हैं वेक्टर्स का। तो इसको मैंने पैरेलल शिफ्ट यहाँ करा दिया, ए वेक्टर हो गया। अब इसके हेड पर इसका टेल रख देंगे, जैसे ये है वैसे ही ये। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इसके टेल से इसके हेड को मिला देंगे लाइक दिस और ऐसे एरो दे देंगे। तो ये जो हमारा बना, ये बना रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बना, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो बना, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये जो मेथड ऑफ एडिशन हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल से हमने इनको ऐड किया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें, अगर एंगल आपसे पूछे तो मैंने आपको सिखाया था वेक्टर इधर जा रहा है, इसको ऐसे से कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा ट्राइंगल के बीच का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिनसे आपको थोड़ा सा मतलब रियाज हो जाए आपका कि कैसे होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लीजिए कि एक है हमारा वैक्टर ऐसे ए है और एक वैक्टर है हमारा ऐसे बी है। आपसे पूछा है ए प्लस बी बताइए जो कि आर वेक्टर के बराबर है, तो ज़रा ट्राई करिए आप, उसके बाद मैं आंसर देता हूँ कैसा बनता है, मिलाएंगे दोनों लोग आंसर। तो कुछ सेकंड के लिए मैं यहाँ पे आपको टाइम देता हूँ, पॉज करके आप अपने से बनाएं, उसके बाद मेरे वाले आंसर से मैच कराएं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या देखेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं ब्लू यूज़ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे ये ए है तो ए को पहले ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस और यहाँ पे लिख देंगे ए वेक्टर। ओके, अब ये बी है, जैसा है वैसा है, ये लाइक दिस और ये हो गया अपना बी वेक्टर और ठीक इसको मिला देंगे ये ऐसे। थोड़ा सा मेरा टेढ़ा है पर मेरा है। ठीक है, अब तो सर आपने हद ही कर दिया। ठीक है, आर वेक्टर और ये कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे ऐड करते हैं। आई होप आपको लॉ ऑफ ट्राइंगल समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स को एक ट्राइंगल की तरह रखते हैं जिनमें हेड टू टेल फैशन रखा जाता है और जो उनका रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, एक का हेड से दूसरे का, एक के टेल से दूसरे के हेड को
मिला देते हैं किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये एरोज हैं। तो ये एरोज इस ऑर्डर में चल रहे हैं, देखिएगा थोड़ा सा बुक में आपको कन्फ्यूज़न आएगा, ये वेक्टर्स इन ऑर्डर में चल रहे हैं, लेकिन जब आप इस तरफ जाएंगे तो ये इनके अपोजिट जा रहा है। घड़ी की सुई को याद रखना, ये देखो ये ऐसे घुमाने जा रहे हैं और ये इसको ऐसे घुमाना जा रहा है, तो इनके ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में रखते हैं रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ऐसे बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लॉ ऑफ ट्रायंगल से वेक्टर को ऐड करना सीख लिया है, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए अगर डिफरेंस की बात करें, किसकी बात करें, डिफरेंस की, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, है ना, यानी सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो आइए सब्ट्रैक्शन के लिए भी समझ लेते हैं, जब एडिशन समझ गए तो सब्ट्रैक्शन भी। अब इसके लिए ना एक आपको याद रखना था जो हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा था उसको, ठीक है। तो नेगेटिव वेक्टर कैसे पढ़े थे, तो याद करिए वो कॉन्सेप्ट नेगेटिव वेक्टर का, नेगेटिव वेक्टर कैसे होता है, मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है तो इसका नेगेटिव कैसे होगा, ट्र इधर की तरफ माइनस लगा देंगे वेक्टर ए, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि ये हो गया ऐसे, ये तो हमारा नॉलेज हो गया, ठीक है सर समझ में आया। सब्ट्रैक्शन का क्या करना है, तो देखिए मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी, आपसे कह रहा है फाइंड, आपसे क्या पूछा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैसे होगा। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आप इसी के जस्ट सामने, जस्ट इसी के बराबर डायरेक्शन उल्टा करके माइनस बी वेक्टर बना लीजिए। अब जब आपने इतना कर लिया तो आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, देखिए कैसे इसको, क्या अपन लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब देखो ये मुद्दा बन गया, यानी ए के साथ किसको जोड़ना है, माइनस ऑफ बी को जोड़ना है, कमाल की चीज़ है ना। तो माइनस ऑफ बी को उठा के जोड़ देंगे, उसमें क्या है, तो हेड टू टेल फैशन ध्यान रखना है क्योंकि ट्रायंगल वाला है, तो ये जैसे जा रहा था वैसे जा रहा था, अब इसके हेड पे इसका टेल रखना है, तो ये ऐसे ट्र इधर की तरफ माइनस बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, और रिजल्टेंट वैक्टर किधर आएगा, आर वेक्टर, आर जहां पर क्या है, ए वेक्टर वा माइनस बी वेक्टर वा, ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। तो इस वाले एग्जांपल को जरा आप निकाल के दिखाइए, इस वाले क्वेश्चन का ड्रॉ करिए। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पर आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको बताना है ए माइनस बी, मैंने तो मिटा दिया पर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो सकता है। चलिए ट्राई करिए, माइनस बी करना है तो समझदार बच्चा क्या करेगा, चुपचाप ड्रॉ कर लेगा और यहाँ पर एक ऐसे माइनस ऑफ बी वेक्टर तैयार कर लेगा। इसके बाद उसको कुछ भी नहीं करना है, जैसे ए जा रहा था वैसे ए जा रहा है, यहाँ भी कोई डाउट, और इसके बाद यहाँ पे ऐसे इसको रख देना है और ये इसको मिला देना है ट्र इधर की तरफ, ये हो गया आर वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये है हमारा रिजल्ट। तो यहाँ पर इन एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये समझा कि लॉ ऑफ ट्रायंगल से हम कैसे ग्राफिकली वेक्टर्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा होगा वो होगा लॉ ऑफ पॉलीगन, तो आइए लॉ ऑफ पॉलीगन को समझते हैं फटाफट। उससे पहले अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया है। चलिए देखिए ग्राफिकल मेथड, कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसका क्या यूज़ है, देखिए आगे चल के बड़े क्लासेस में जब आपको डील करने होंगे वेक्टर्स से, है ना, तो वहाँ पे इन ग्राफ्स का बहुत ज़रूरत पड़ता है और साथ ही साथ एनालिटिकल का भी ज़रूरत पड़ता है। जैसे 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 हम आगे बढ़ेंगे ना, क्वेश्चंस लेंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये बात है इसीलिए सर ने पढ़ाया है कि नहीं। तो ग्राफिकल में दूसरा हमारा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और कमेंट्स में या फिर मैंने जो आपको बताया है वहाँ पे उस नंबर पे आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं मुझे, जो भी टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, लेट मी नो एंड लेट मी एक्सप्लेन दैट टॉपिक, ओके। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है, देखिए इसमें कहा जाता है कि दो वैक्टर्स अगर किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो डायगनल होगा वो डायगनल उन दोनों वैक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए वेक्टर बी और ये है, ये बन गया अपना
पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे क्या आएगा, हे है ऐसे कैसे हो सकता है, ये बन गया अपना रिजल्टेंट। इनके बीच का एंगल थीटा, इसके बीच का एंगल अल्फा, समझ में आ रही बात, और ये बना रिजल्टेंट। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर्स का हेड एक जगह होना चाहिए, सॉरी टेल एक जगह होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान देना है। डेफिनेशन इसका आप वापस से एनसीईआरटी से देख लोगे, क्योंकि एनसीईआरटी से बेस्ट अगर कोई थ्योरी के लिए देखा जाए तो कोई भी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट। बेस्ट क्या, पूरे वर्ल्ड में इसको लोग मानते हैं। अपन ने तो इंजीनियरिंग में काफ़ी चीज़ें पढ़ी जो कि पढ़ाते पढ़ाते पता लगा एनसीईआरटी में थी, क्योंकि हमारे टाइम पे हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, है ना। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है मेरे नज़रिए में। तो यहाँ से आप देख लेंगे, फिलहाल ये तरीका है। अब दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, कैसे जोड़ेंगे हम उनको। मान लीजिए आपको दोनों वेक्टर्स दे दिए, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर है बी। इन दोनों को आपको जोड़ना है ट्राइंगलर से नहीं, पैरेललोग्राम से जोड़ना है। लॉ ऑफ ट्राइंगल तो अपन लोग सीख चुके हैं, अब इसको सीखना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो ध्यान देना है, ये जैसे है वैसे है, इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहां कर देंगे, देखिए कैसे। ये ऐसे हो गया, इसको पैरेलल यहां ऐसे आ जाएगा। अब इसको ऐसे अपने मन से बढ़ा देंगे, टिचुक टिचुक, और ये बना रिजल्टेंट। कहां जा रहे हो यार उधर, ये जे वेक्टर ए था, जे वेक्टर बी था, और आर वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब अगर आपसे पूछने वाला इसमें पूछ सकता है दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो ये एंगल थीटा, ये वाला एंगल अल्फा, इधर से एंगल बीटा दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है यार। जब ज़रूरत पड़ेगी निकालने का तब अपन लोग निकालेंगे ना, अभी से क्या टेंशन लेने का। अभी अपने को बस ये सीखना है कि कैसे इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं अब आपके लिए, अगला एग्जांपल होगा, आप ट्राई करिएगा ज़रा क्या हो सकता है, ठीक है। यहीं पर मैं दे देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने आपको दिया, जे था अपना वेक्टर ए और जे था अपना वेक्टर बी। इनको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से ड्रॉ करिए, चलिए पॉज करिए, अपने से ड्रॉ करिए, फिर मेरे आंसर को मिलाइए, ठीक है। मैं एक सेकेंड के लिए रुकता हूँ, शायद दो सेकेंड हो गया, चलिए ठीक है। मेरा आंसर देखिए क्या करना है, सिंपली ए को ड्रॉ कर देना है, अब इसको पैरेलल शिफ्ट करना है, तो ये ऐसे शिफ्ट होगा, और ये बन गया आर वेक्टर, समझ में आ रही बात। सब्ट्रैक्शन कैसे लेना है आइए उसको भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में फंडा अपना वही रहेगा नेगेटिव लेने का, बाकी पैरेलल शिफ्ट कैसे करते हैं देख लेते हैं। इन्हीं वेक्टर्स का एग्जांपल लेते हैं, हमको निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके। तो बी का जस्ट उल्टा ड्रॉ कर लेते हैं, ट्र माइनस का बी, ठीक है, ड्रॉ हो गया। चलिए अब ए माइनस बी करना है, इसको हम लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, टिचक। आइए ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा ए टिचक, और ये बी, तो ये रहा बी टिचक, पर ये माइनस का बी है, और ये टेंटर, ये आ गया आपका आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है कि नहीं। आइए इसके बाद हम देखते हैं b माइनस ए अगर पूछ दिया तो, गुरुजी आपने सारी चीज़ें बताई हैं पर ये कैसे निकलेगा। तो ये भी बहुत आसान है, देखिए कैसे होता है। b तो b था, प्लस माइनस का a हो गया, तो माइनस का a कैसे, टिर, और ये बस सिंपल है, b को पहले ड्रॉ कर दो, b ऐसा था तो b ऐसा ही रहेगा, ए ऐसा था ट्र माइनस इधर जा रहा है तो ये इधर को ही जाएगा, और ये हमने बना लिया आर वेक्टर, सो सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको इन एग्जांपल से समझ में आया होगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे किया जाता है इनको। नेक्स्ट है हमारा, आप इनको नोट कर लीजिए नहीं तो मैं इनको मिटाऊंगा। अगला है हमारा लॉ ऑफ पॉलीगन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्वेल्थ में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिनमें लॉ ऑफ पॉलीगन यूज़ होता है,
और फिजिक्स 11th में भी आते हैं जिनमें लॉ ऑफ पॉलीगन यूज़ होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा कहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फटाफट आइए उनको देखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है। चलिए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करेंगे आप, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक पूरा कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखेंगे, समझ रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार 11th की जो सिलेबस है उसको अपन पूरे अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वीक में अभी तो 3-4 वीडियोस आ रहे हैं, टाइम लगेगा तो और भी वीडियोस आएंगे। और अगर आप कहेंगे तो वीडियो के लेंथ को मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, 20 मिनट्स का, 25 मिनट का, 30 से नीचे ही रख रहे हैं, है ना, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगन, देखिए पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें ढेर सारे पॉली मतलब ढेर, गन मतलब साइड, तो जिसमें ढेर सारे साइड्स हो उनको बोलते हैं अपन लोग पॉलीगन, ओके। तो मान लीजिए आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, डेफिनेशन आपका फिर से कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगा, साइड बुक में मिलेगा, गूगल भी कर सकते हो आप, काफ़ी सारे सोर्सेज हैं आपको डेफिनेशन के लिए, पर समझना कैसा है उसके लिए तो हम हैं ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं, मान लीजिए अपने पास वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। कितने वेक्टर हुए, 1, 2, 3, 4, 4, बस चार ही है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 4 वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो लॉ ऑफ पॉलीगन कहता है कि इन सभी को ऐसे ही हेड टू टेल फैशन में रखेंगे और लास्ट में जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके एंटी डायरेक्शन में इसके रिजल्टेंट को दिखा देंगे। डेफिनेशन आप बिल्कुल पढ़िएगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे इनको करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। तो ए जैसा था ए वेक्टर, बी जैसा था बी वेक्टर, ध्यान से देखना बेटा, सी जैसा था सी वेक्टर, डी किधर था डी वेक्टर, और ये देखो ट्र ऐसे मिला दिए, तो ये क्या बन गया आर वेक्टर। तो आर कितना आएगा यहाँ पर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये आपका बन गया लॉ ऑफ पॉलीगन। अब इसका प्रैक्टिकल क्या होता है, तो आइए प्रैक्टिकल देख लेते हैं। मान लीजिए कि अपना कोई हीरो है, आजकल के बच्चे ऐसे ही तो बाल रखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा हीरो है अपना, और ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है जहाँ पे इधर इसकी हीरोइनी है, ठीक है जी। अब ये जो रास्ता लेता है, ये रास्ता लेता है ऐसे ट्र ऐसे, और ये एक सेमी सर्कल है, क्या है सेमी सर्कल, ओके। तो सेमी सर्कल का रेडियस आर हो गया, ये रेडियस आर हो गया। अब ये जब जाएगा, ठीक है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, तो जो समझदार बच्चे हैं वो कहते हैं सर डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से चला यहाँ को गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, उसमें क्या है। पर अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आगे आपको पढ़ना है, तो इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ दिया हमने, ठीक है जी। अब इनको वेक्टर बना रहे हैं, ध्यान से देखना लॉ ऑफ पॉलीगन कैसे काम करता है। अब इसको अपन लोग वेक्टर बनाएंगे तो एरो लगा देंगे ना, ये छोटे छोटे वेक्टर जुड़ के एक बड़ा वेक्टर बनाएंगे, ये देखा। अब इन सभी वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इधर, ये टिचुक, और वो किसके बराबर होगा, तो 2r के बराबर होगा, देखा। ये इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं सर लॉ ऑफ पॉलीगन तो आप पढ़ा दिए पर अपन यूज़ कहाँ करेंगे, है ना, तो यूज़ ऐसे होता है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया काइनेमेटिक्स का, आगे वो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आप इसको नोट करिए, यहाँ तक हमने पढ़ा है लॉ ऑफ ट्रायंगल जिससे हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमने पढ़ा, लॉ ऑफ पॉलीगन हमने पढ़ा, अब हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे
कौन कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, तो कॉमिटेटिव, कॉमुटेटिव का मतलब क्या बोले तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के। अभी इसको अपन लोग करके देख लेंगे, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद क्या है, दूसरी है प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देख लीजिए। ऐसा लिखा हो वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट ऑफ वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस बी ब्रैकेट ऑफ वेक्टर सी, इनको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इतना आप नोट करिए, तब तक हम आपको आगे बताते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, मेरे से प्रैक्टिकल में पूछा गया था कि एनआईटी सुल्तानपुर से आया था टीचर, जब मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब हो रही थी हमारी, उसमें तो उसमें पूछा गया था कि ये बताइए कि अगर हमको दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जोड़ना है तो हम लोग क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने उस समय उनको सही आंसर नहीं बताया था, मैंने बड़ा कॉन्फिडेंटली बताया था, सर लॉ ऑफ पॉलीगन है तो हम क्यों बाकी चीज़ों का यूज़ करें, अगर तीन वैक्टर हैं तो हम लॉ ऑफ पॉलीगन का यूज़ करेंगे। पर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, उसके बाद मुझे लगा कि मैंने आंसर गलत दिया है, तो मैं गया लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में इरविन एच शेम्स की बुक थी मैकेनिक्स की, थोड़ा सा वो फॉरेन राइटर की थी, तो मैंने देखा, 3-4 दिन पढ़ने के बाद मुझे उसमें मिला कि दो से ज़्यादा भी वेक्टर हो तब भी हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, ठीक है, और उनके हेल्प से हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। पर एनसीईआरटी ने तो बहुत अच्छे से लिखा है। आइए मैं आपको वो सिखा देता हूँ कि कैसे हो सकता है। देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसे वेक्टर हैं, वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। इसको पॉलीगन से आप जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये ऐसे आपने जोड़ दिया तो ये रिजल्टेंट आ गया ना। पर आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या किसी और को यूज़ करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए ये हो गया आपका वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट आया वेक्टर R1। अब इसको जोड़िए सी के साथ, वापस से देखिए आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है, ये ए प्लस बी था और ये सी था, वापस से आर आपको कितना मिलेगा, ए प्लस बी और प्लस सी जो यहाँ मिल रहा था वही। तो हम दो दो वेक्टर्स को लेकर के भी पूरे वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने देखा ग्राफिकल एडिशन। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे एनालिटिकल, जिसमें हम लोग ए प्लस बी का वो जो फॉर्मूला था उसको डिराइव करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, स्पेशल केसेस वगैरह को देखेंगे। तो आज की वीडियो क्लास में यहीं तक, इंतजार करेगा अगले वीडियो का। तो ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है।